मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस के माध्यम से एंजाइटी का समाधान। हमारे साथ गंगोत्री जी हैं जिनकी 3 प्रॉब्लम हैं जो हिप्नोसिस से ठीक होने वाली हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपकी मेमोरी की, आपकी याददाश्त बढ़ा देते हैं। दूसरी आपको जो ब्रेन में दर्द महसूस होता है वो ठीक कर देते हैं। और तीसरी जो एंजाइटी की कि स्कूल वो कंपनी की वैन को देख करके घबराहट होती है वो हटा देते हैं। ओके, तीनों प्रॉब्लम एक बार आप दोहरा दें फिर मैं वही आपके अचेतन मन में उसका सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। पहले तो मेरी मेमोरी पार, दूसरी मेरे को एंजाइटी कंपनी वैन को देखकर, और तीसरी अब मेरा सर दर्द और मेरा यहाँ पे सर में दर्द हुआ। ठीक है, और आज आप घूम के कहाँ होगे? आज मैं पौंडीचेरी घूम के आऊँ। पौंडीचेरी चलते हैं। पौंडीचेरी जो भी चेरी है। हाँ, चेरी चलते हैं, पौंडीचेरी चलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो रेडी हैं आप जाने के लिए? बिल्कुल रेडी। अब आप फोन को ऑन करके ये एक्सरसाइज आपने बार बार करनी है 21 दिन तक, तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके यहाँ छोड़ दें। रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, तो अब आपने मेरी वॉइस को सुनना है, पूरा ध्यान मेरी वॉइस पर। हियर माई वॉइस। अब आप उंगली को ऐसे करें, हाँ ऐसे उंगली का ये, हाँ अपने तो ये जो हिस्सा है ना, तो ऊपर उठा लें, हाथ ऊपर उठा लें, ये हिस्सा अगर भाग, इसको देखती रहें, सिर्फ इसी पर बिना पलक झपके देखती रहें, सिर्फ उंगली का दिखना ही बाकी रहे, पूरा ध्यान उंगली के ऊपर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला, पूरा फोकस उंगली के ऊपर, पूरा फोकस उंगली के ऊपर। जैसे जैसे आप उंगली को देख रही हैं आप गहरी नींद में जा रही हैं, आप गहरी नींद में जाती जा रही हैं, आपको नींद आ रही है, उंगली धीरे धीरे आपके माथे की तरफ आ रही है, चुंबक की तरह ये खींच रही है, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है उसी तरह ये उंगली आपके माथे की तरफ खींचती जा रही है, धीरे धीरे माथे की तरफ आ रही है। आप जितना रोकने का प्रयास कर रही हैं उंगली माथे की तरफ आ रही है, और ज़्यादा आ रही है, और ज़्यादा फास्ट उंगली माथे की तरफ आना, और ज़्यादा तेज़, और ज़्यादा तेज़ी से आ रही है उंगली माथे की तरफ, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट, और ज़्यादा फास्ट फास्ट फास्ट, जैसे जैसे मैं गिन रहा हूँ उंगली माथे की तरफ आ रही है और आप गहरी नींद में जाती जा रही हैं। एक उंगली और ज़्यादा माथे की तरफ, दो, इससे भी ज़्यादा, 3, और ज़्यादा, 4, 5, 6, और ज़्यादा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उंगली और ज़्यादा तेज़ी से माथे की तरफ आ रही है, उंगली में मूवमेंट शुरू हो गई है, उंगली माथे की तरफ आ रही है, उंगली आपके माथे की तरफ आती जा रही है, जैसे जैसे माथे की तरफ आ रही है आप गहरी नींद में जाती जा रही हैं, उंगली और ज़्यादा, हाथ में मूवमेंट, हाथ मुड़ता जा रहा है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, होने दें जैसा होता है, आप जितना हाथ को रोकेंगी उतना हाथ और ज़्यादा बैंड होता जाएगा, हाथ और ज़्यादा बैंड हो रहा है, बहुत बैंड, उंगली माथे की तरफ आ रही है, और ज़्यादा तेज़ी से, और ज़्यादा तेज़ी से, फास्ट फास्ट, और ज़्यादा फास्ट, ये कुछ ही देर में माथे से टच हो जाएगी, जैसे ही उंगली माथे से टच होगी आप गहरी नींद में सो जाएंगे, जैसे ही उंगली माथे से टच हो जाएगी आप गहरी नींद में सो जाएंगे, उंगली और ज़्यादा फास्ट, उंगली में मूवमेंट और ज़्यादा तेज़, और ज़्यादा फास्ट 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 फास्ट, अब माथे से टकराने वाली है, जैसे ही माथे से टच होगी आप गहरी नींद में सो जाएंगी, उंगली टकरा रही है, सो जाएंगे गहरी नींद में, डीप स्लीप, सो जाएं गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद, अब आप बहुत गहरी नींद में, अब आप बहुत गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, सो जाएं गहरी नींद में, अब आपका पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर ढीला, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, अब आपके दोनों पैर और ज़्यादा ढीले, दोनों पैर बहुत ढीले, दोनों हाथ ढीले, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ ढीले, दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले, बिल्कुल ढीले छोड़ दें, पूरे हाथ ढीले, हाथ बिल्कुल ढीले ढीले छोड़ दें, अब आपके हाथ और ज़्यादा ढीले, बहुत ढीले, अब आप बहुत गहरी नींद में जा रही हैं, इससे भी ज़्यादा गहरी नींद, अब
मैं 1 से 10 तक गिनूंगा और 10 के साथ मैं आपके माथे को अंगूठे से टच करूंगा। जैसे ही मैं माथे को अंगूठे से टच करूंगा आप गहरी नींद में सो जाओगी। 1, आपको नींद आ रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो जाएं गहरी नींद में। अब आप बहुत गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, अब आप बहुत गहरी नींद में जा रही हैं। अब जैसे जैसे मैं माथे को टैप कर रहा हूँ आप गहरी नींद में सोती जा रही हैं। बहुत गहरी नींद, इससे भी ज़्यादा गहरी नींद, और ज़्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आपकी नींद बहुत गहरी होती जा रही है, आप बहुत गहरी नींद में जा रही हो। अब आप बहुत गहरी नींद में जा रही हो, बहुत ज़्यादा गहरी नींद, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर। अब आप मेरी आवाज़ जैसे जैसे सुन रही हो आप गहरी नींद में जाती जा रही हो। अब आप मेरी आवाज़ के साथ साथ गहरी नींद में जा रही हो, मेरी आवाज़ आपको गहरी नींद में ले जा रही है। मेरी आवाज़ सुनते सुनते आप गहरी नींद में जा रही हो। जैसे जैसे आप मेरी वॉइस सुन रहे हो आप गहरी नींद में जाती जा रही हो। मेरी आवाज़ सुनते रहें और गहरी नींद में उतरते रहें। अब आप बहुत गहरी नींद में, और भी ज़्यादा गहरी नींद में चले जाएँ, और भी ज़्यादा। अब जैसे जैसे मैं काउंटिंग बढ़ाता जाऊँगा आप गहरी नींद में सोती जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गहरी नींद। देख दो, अब आप बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपको बहुत गहरी नींद आ गई है, एकदम गहरी नींद। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रही हो, मेरी आवाज़ आपको बहुत रिलैक्स कर रही है, मेरी आवाज़ आपको बहुत रिलैक्स कर रही है, मेरी आवाज़ आपको बहुत रिलैक्स करती जा रही है। अब आप बहुत रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब मैं आपको पांडुचेरी लेकर जा रहा हूँ, आप पांडुचेरी जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इससे भी गहरी नींद में चली जाएंगी, आप इससे भी गहरी नींद का मज़ा लेंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। अब आप पांडुचेरी जा रही हैं, पांडुचेरी के लिए हम रेडी हो रहे हैं। अब आप पांडुचेरी के लिए निकल गई हैं, अब आप ट्रैवलिंग में हैं, गहरी नींद में, ड्रिफ्ट, गहरी एंड डीपर एंड डीपर स्लीप, डीप, मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप, बहुत गहरी नींद में। अब आप पांडुचेरी के लिए ट्रांसपोर्ट में हैं, आप ट्रैवलिंग कर रही हैं, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रैवलिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप पांडुचेरी के निकट पहुंच गई हैं, अब आप पहुंच गई है एकदम, अब आपको पांडुचेरी का पूरा दृश्य नज़र आ रहा है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ का दृश्य आपको बहुत पसंद है। अब आप जो जो देख पा रही हैं, जो जो देख रही हैं, जो जो आप वहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, वो पूरा बोल कर बताती जाएं। अब आप बोल के बताती जाएं। मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ। हाँ, अब आप एयरपोर्ट से बाहर निकली हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। हाँ, अब अपने भाई के साथ हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ताज़ी, हाँ, फ्रेश एयर है, वेरी गुड, बहुत इंजॉय है। और सारे घर जो पांडिचेरी के हैं वो हरे नीले, वेरी गुड, बहुत। आप जैसे नीला रंग देख रही हो आप और ज़्यादा गहरी नींद में जा रही हो, नीला रंग आपको और ज़्यादा गहरी में लेता जा रहा है। जैसे जैसे आप, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हो, पिंक कलर को देख करके आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी ताजगी बढ़ती जा रही है, आपका मन प्रसन्न होता जा रहा है। अब आगे बताते जाएं। और फिर हम एक कैब लेते हैं, फिर अपने होटल की तरफ बढ़ते हैं, फिर होटल पहुंच के जल्दी से चेंज करते हैं मैं और मेरा भाई,
फिर पहले तो बीच ही देखते जाते हैं, और पहले हम दोनों को भूख लगी होती है तो पौंडीचेरी के वहाँ बहुत ही सुंदर कैफे होते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर कैफे, वहाँ पे हम पहले फोटोज़, खाने की फ़ोटोज़, हम दोनों अपनी फ़ोटोज़ खींचते हैं बहुत ही स्माइल करते हुए। हाँ, एक साथ फ़ोटोज़ खींचते हैं। हाँ, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना मंगाते हैं। वेरी गुड। पिज़्ज़ा, पेस्ट्री ये सब मंगाते हैं। और बहुत ही मज़े करते हैं कैफे में, बातें करते हैं कैसे हमने एक दूसरे बचपन आप बताया, और एक दूसरे के मज़े लेते हैं। फिर वो मेरे को बहुत मोटी मोटी करके चढ़ाता है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा खा के। और फिर हमने बहुत सुंदर फोटोज़ खींची, एक सुंदर से पेड़ के वहाँ कैफे के अंदर पेड़ था। और फिर दोनों कैफे से निकल के बीच की ओर बढ़ जाते हैं। पौंडीचेरी के बीच बहुत सुंदर होते हैं। और भाई मेरे को मदद करता है हाथ पकड़ के बीच में आगे ले जाने में, कि मैं ज़्यादा पानी, गहरे पानी में ना चली जाऊँ। और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर छिट्टे मारते हैं पानी की, और बहुत सारी वीडियोस भी बनाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं पानी के अंदर, मस्ती करते हैं। हाँ। फिर थोड़े कम पानी के अंदर बैठ जाते हैं हम दोनों, और ऐसे ही थोड़ी देर पानी में बैठ के अपना बचपन याद करते हैं, क्योंकि मुझे पानी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और फिर भाई और मैं पानी से एक घंटा आराम से उधर बीच पे बैठ कर फिर रेत के वहाँ वॉक करते रहते हैं, क्योंकि हम दोनों का मन नहीं होता। पौंडीचेरी में भी खाली बीच ही बीच है, तो या फिर खाना पीने जाएंगे या फिर बीच, कोई और बीच जाएंगे। तो फिर अब आज के दिन तो इसी बीच पे वॉक करके आसपास, फिर हमने थोड़ी देर वॉक किया, बहुत प्यारी प्यारी फोटोज़ खींची। हाँ। सनसेट हो रहा था। हाँ। सनसेट के वहाँ मैं अपने भाई को, उसके नाम वासु से बुलाती हूँ, तो मैंने वासु की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची, वासु ने भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची। और फिर हम अपने होटल की तरफ चले गए, और फिर नेक्स्ट डे भी हमने सुबह पहले स्कूटी से ही घूम रहे थे हम पौंडीचेरी में भी। वासु को लगता है मेरी हाइट छोटी है, तो वो मेरे को स्कूटी चलाने नहीं देता बिल्कुल भी, खुद ही चलाता है। तो वो मेरे को स्कूटी से ले गया एक और सुंदर से कैफ़े में, और हमने उधर पहले खाना पीना खाया, और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है पौंडीचेरी का, गोवा से अच्छा खाना पौंडीचेरी का है। और फिर हम बीच पे गए, उस बीच में पैराशूट
जो हवा में उड़ने वाला होता है वो हो रहा था। तो मैंने वासु को बोला कि वासु हम ये करते हैं, तो हमने पहले बीच में हल्का फुल्का पानी छिड़का एक दूसरे पर, और हाँ फिर हम पैराशूट के लिए चले गए। पैराशूट करके मैं आसमान की ठंडी ठंडी हवा को फील कर सकती हूँ। मेरे को घर की छतें दिख रही हैं पौंडीचेरी की, पिंक पिंक वॉल्स, ग्रीन ग्रीन वॉल्स, नीली नीली वॉल्स, क्योंकि पूरा पौंडीचेरी ऐसे ही, उनके घर ऐसे ही बने हुए हैं कलरफुल कलरफुल रंगों से। हाँ और उन्होंने ऐसे एक गोल के डायरेक्शन में मुझे पहले घुमाया, और बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा है पौंडीचेरी की, और डर भी लग रहा है इतनी ऊंची हाइट पर आकर पैराशूट पे, हाँ पर बहुत मज़ा भी आ रहा है, और नीचे से वासु मेरी वीडियो भी बना रहा है। और फिर फिर उन्होंने बोला ध्यान से पकड़ लो, अब तुम्हें लैंड कराएंगे। फिर उन्होंने मेरे को नीचे लैंड करा दिया। हाँ अब वासु के ऊपर चढ़ाने की बारी थी, तब मैं वासु की वीडियो बना रही थी, हाँ और उसकी भी मैंने बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई, हाँ और मुझे पूरा विश्वास है उसने भी पूरे मज़े लिए होंगे जैसे मैंने लिए। और हम दोनों को बहुत मज़ा आया। हम जब वो नीचे आया मैंने उससे पूछा वासु तेरे को मज़े आए ना, तो उसने बताया कि उसको मज़े आए। और फिर हम दूसरे बीच की ओर बढ़ गए। वो बीच यहाँ से थोड़ी दूर, 1 घंटा दूर था। तो हमने स्कूटी पकड़ी और पहले थोड़ा सा खाना पीना पीने का डिसाइड करा, और फिर वो 1 घंटा दूर बीच पे चले गए। फिर उस कैफ़े का बहुत ही सुंदर कैफ़े था वो, हाँ और वहाँ पे हमने ऐसे बंदरों जैसी शक्ल बना के एक दूसरे की वेरी फ़ोटोज़ खींची। गुड और मैंने वासु को किस भी करा उधर चीक्स पे, और वैसे करके भी फ़ोटो खींची, और वो सब मम्मी पापा को भेज रहे थे। और मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात भी करा हमने, और वहाँ पे भी हमने पिज़्ज़ा पास्ता यही सब खाया, सैंडविच खाया। और फिर हम स्कूटी की तरफ बढ़ दिए। हमारी स्कूटी भी पिंक कलर की है। वेरी गुड तो फिर वासु का हेलमेट भी पिंक कलर का है। वेरी गुड बहुत बढ़िया तो वासु स्कूटी की तरफ बढ़ के फिर हम उस बीच की तरफ बढ़ दिए। फिर हमें रास्ते में प्यास लगी तो हमने नारियल पानी पी दिया, और फिर वो जैसे ही हम उस बीच की तरफ पहुँचे तो वो एक बहुत ही सुंदर सा बीच था। वो बिल्कुल एक हिडन बीच था, जो जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होती, और जहाँ पे एक अलग टाइप की बोटिंग भी होती है।
तो पहले तो वासु और मैं वो बोटिंग करने चले गए। हाँ। और उस बोटिंग में सब लोग रेस लगाते हैं, तो वासु ने मुझे कहा मोटी हारना नहीं है यहाँ पे, हर जगह तो हरा देती है। तो उसमें क्योंकि जो आगे बैठता है वो तो दो लोग बैठते हैं एक बोट पे, तो जो आगे बैठता है वो उसी से मेन डिसाइड होता है कि स्पीड कैसी रहेगी। तो वासु आगे बैठता है, मैं पीछे बैठती हूँ, और वासु आगे बैठता है, मैं पीछे बैठती हूँ। तो फिर पर मैं बहुत ही गंदा बोट चला रही होती हूँ, और वासु ही मेन बोट को संभाल रहा होता है। और बार बार हम दीवारों से टकराते रहते हैं, आसपास की दीवारों से, पर हमें बहुत मज़ा आता है। हम हंसते रहते हैं कि हम जो दूसरी बोट्स हैं उनसे भी टकराते रहते हैं। और टकराते रहते तो हंसी ही आती है, ऐसे किसी को लगती नहीं है। और ये बहुत ही मज़ेदार वाली रेस है, कोई ऐसे कंपटीशन वाली रेस नहीं है। तो फिर हम हमारी बोट विंग कलर की है। बहुत बढ़िया। तो फिर हम मैं वापसी मैं बैकअप कर लेती हूँ, और वासु को कहती चल चल अब जल्दी जल्दी करूँगी मैं। पर मैं वापस आते हुए भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देती हूँ और टकरा जाती हूँ लोगों से, क्योंकि मेरा बैलेंस मतलब बहुत अच्छा नहीं चला पाती मैं। तो वासु भी कहता है अच्छा चल कोई नहीं देख लेंगे। फिर वो रेस तो हम हार जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिर हम उस बीच की तरफ चले जाते हैं, वो बीच बहुत सुंदर होता है, बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वो एक हिडन बीच होता है जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। हाँ। आज तक मैंने वैसा बीच नहीं देखा होता। हम रेत पे बैठे रहते हैं और सनसेट का वेट करते हैं कि कब सूरज ढलेगा, तो तब हम वहाँ से जाएंगे। और हम एक दूसरे की बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ खींचते हैं, और सूरज ढलने की भी फ़ोटो खींचते हैं। और जैसे ही सूरज ढल जाता है हम वहाँ से निकल जाते हैं, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार वाला जाता है। और अब हम स्कूटी पकड़ के वापस अपने होटल को निकल लेते हैं। अभी हम दोनों बहुत थके होते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, और वासु को स्कूटी तो चलानी पड़ती है। और हम खाना अपने होटल में ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अब कहीं बाहर जाके खाने की हिम्मत नहीं होती। तो बस रूम में खाना ऑर्डर कर लेते हैं बस। हाँ। और सुबह सुबह की हमारी फ्लाइट होती है, क्योंकि पौंडीचेरी में इतना कुछ घूमने लायक है भी नहीं। तो ये आपका ट्रिप कैसा रहा? बहुत स्लो करना। अच्छा। हाँ, अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। हाँ जी, हमारा प्लेन पिंक कलर। अरे वाह, आज के बाद जब भी आप पिंक कलर देखोगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और इसी अवस्था को महसूस करोगी। हाँ जी। अगली बार जब भी आप पिंक कलर देखोगी आपका कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहेगा, और आप बहुत शक्तिशाली, बहुत रिलैक्स, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगी। हाँ, तो अब आप और गहरी नींद में जा रही हो, और ज़्यादा इससे भी गहरी नींद।
सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, अब आप इससे भी ज़्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आपको बहुत प्लेजरेबल महसूस हो रहा है। आपका चेतन मन आपके लिए बहुत कार्य करता है। अब मेरी आवाज़ आपके अचेतन मन की गहन परतों तक जा रही है। अब आपका अचेतन मन खुल रहा है, जैसे प्याज के छिलके खुलते हैं वैसे ही अचेतन मन खुल रहा है। मेरी आवाज़ आपके अचेतन मन तक जा रही है, बहुत गहराई तक। अब आपका अचेतन मन ओपन हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत शांति रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। अब आप बहुत गहरी नींद में, इससे भी गहरी नींद, इससे भी ज़्यादा गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। अब आपका चेतन मन ओपन हो रहा है, आपके अचेतन मन के पास अथाह शक्तियाँ हैं, अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, खजाना है। इसमें हर समस्या का सॉल्यूशन है, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन आपकी अचेतन मन की पावर के पास है। आपके अचेतन मन की शक्ति आपके लिए काम करती है। अब आपका अचेतन मन आपको सही दिशा दिखा रहा है, अचेतन मन आपको पूरी तरह से हेल्दी बना रहा है। आज से आप जब भी स्कूल अपनी ऑफिस बैन देखेंगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। अब आप बहुत गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी और ज़्यादा डीप। आज के बाद आप जब भी अपनी ऑफिस बैन देखेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के बाद आप जब भी अपनी ऑफिस बैन देखेंगी, उसकी पीली लाइटें, उसके अंदर का पीला कलर, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आज के बाद आप अपनी ऑफिस वैन में बैठ कर के बहुत इंजॉय महसूस करोगी, बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस इसी प्रकार बना रहेगा। जैसे ही ऑफिस वैन से आप ऑफिस पहुंचोगे, आपको बहुत लगे अच्छा लगेगा। आप ऑफिस पहुंच करके अपने कलीग से, अपने काम पर जब फोकस करोगे, आपको बहुत आनंद आएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। आज के बाद आपको अपनी ऑफिस वैन से ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्लेजरेबल महसूस होगा, आपको बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होगा। आप जब भी अपनी वैन देखेंगी, आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत हल्का महसूस होगा, और आप बहुत शांति महसूस करेंगी। और अपने ऑफिस जा कर के, अपने ऑफिस के काम को करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऑफिस के काम को करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स, शांत, बहुत आनंदित हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत शांति महसूस हो रही है। अचेतन मन ने आपको पूरी तरह से क्योर कर दिया है, अचेतन मन की शक्तियों ने आपको पूरी तरह से हील कर दिया है। अचेतन मन की शक्तियाँ आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं, अचेतन मन की परतें ओपन होकर के उसकी शक्ति, उसकी डिवाइन शक्ति, उसकी पवित्र शक्ति आपके पूरे बदन में फैल रही हैं। एक एक सेल तक आपके पॉजिटिविटी भर रही है, एक एक सेल तक आपके एनर्जी जा रही है। अब आपकी प्रत्येक सेल एकदम ठीक हो गई है। हर सेल के पास एक मेमोरी होती है, हर सेल के पास एक याददाश्त होती है। साइंस भी यही कहती है, साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि बॉडी की प्रत्येक सेल के पास एक मेमोरी होती है। तो आज से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, आज से आप जो पढ़ोगी, जिस काम को आप करोगी, वो चीज़ें याद रहेंगी, आज से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी मेमोरी सेल सारी एक्टिव हो गई हैं, सारे ब्रेन की अब मेमोरी सेल एक्टिव हो गई हैं। अब आपकी सारी सेल, ब्रेन की मेमोरी सेल पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। अब आपकी सारी सेल, मेमोरी की सारी सेल्स एक्टिव हो गई हैं। आज से आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, आप जो पढ़ेंगी, जो काम करेंगी, वो याद रहेगा, और काम करते वक्त आप पूरी तरह से वर्तमान में रहेंगी। आज से आप काम करके बहुत अच्छा महसूस करोगी, वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आज के बाद आपको चीज़ें याद रहेंगी, आज से आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। आज से आपका हेडेक,
और सिर दर्द, ये खिंचाव, नसों पर तनाव, वो सारा रिलीज हो रहा है। अचेतन मन आपका सारा तनाव, सारी चिंता हटा रहा है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे हाथों की, मेरी उंगलियों की शक्ति आप में समा रही है। ये शक्ति आपकी हर एक सेल को एक्टिव कर रही है। अब आपकी प्रत्येक सेल चार्ज हो गई है। आपकी सेल चार्ज होने से आपको बहुत लाभ हो रहा है। एक तो आपकी मेमोरी बढ़ रही है, दूसरी आपकी जो टेंशन, स्ट्रेस, सिरदर्द की समस्या थी वो भी पूरी तरह से ठीक हो रही है। अब आप पूरी तरह से ठीक, एकदम ठीक, अब आप एकदम ठीक हो गई हैं। अब आपको बहुत अच्छा लगता है, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप जब भी पीली चीज़ देखेंगी, आप इसी अवस्था को महसूस करेंगी। जैसे ही आप पीली चीज़ देखेंगी, आपकी प्रत्येक सेल के अंदर एनर्जी महसूस होगी, आपका पूरा शरीर चार्ज अप हो जाएगा। जैसे ही आप आगे से पीली चीज़ देखेंगी, पीला रंग देखेंगी, आपकी पूरी बॉडी चार्ज अप हो जाएगी, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, बहुत रिलैक्स, आपका मन पूरी तरह से रिलैक्स, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत शक्ति, बहुत शांति। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब आपको बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, अब आप बहुत खुश हैं, आप बहुत आनंदित हैं। आपके पूरे मन के अंदर पॉजिटिविटी भर गई है, पूरा मन पॉजिटिविटी से भर गया है। आपके पूरे शरीर में एक एनर्जी दौड़ रही है, एक डिवाइन एनर्जी, आपके अंदर एक पवित्र दिव्य शक्ति दौड़ रही है। उस दिव्य शक्ति ने आपको बहुत फास्ट कर दिया है। आज के बाद आप सारा काम तेज़ी से कर लिया करेंगी, आज के बाद आप काम तेज़ी से किया करेंगी, आज के बाद आपको शरीर में बहुत ताकत, बहुत एनर्जी महसूस होगी। आज के बाद आपका शरीर पूरी तरह से चार्ज अप रहेगा, अब आपकी बैटरी फुल रहेगी, आपके अंदर एनर्जी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, आपके अंदर एनर्जी का स्तर बहुत बड़ा रहेगा। अब आप सारा काम बहुत फास्ट करेंगी, अब आपके काम करने की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी और आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और आपका ब्रेन भी बिल्कुल शांत रहेगा, आपका ब्रेन बिल्कुल ढीला शांत रहेगा, आपका मन बिल्कुल हल्का, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, अब आप ठीक हो चुकी हैं, अब आप पूरी तरह से ठीक, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। आज के बाद आप पूरी तरह से ठीक रहेंगी, आज के बाद आप पूरी तरह से आनंदित रहेंगी। अब आप 3 मिनट तक इसी अवस्था में लेटी रहें और 3 मिनट तक आपके अंदर एक दिव्य शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित होती महसूस होती रहेगी। वो शक्ति आपको पूरी तरह से चार्ज अप कर देगी, आपकी प्रत्येक सेल को चार्ज अप कर देगी, आपका कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ जाएगा, आपको बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स महसूस होता रहेगा। अब आप 3 मिनट अपने शरीर के अंदर, अपनी प्रत्येक सेल के अंदर एक ज़बरदस्त शक्ति महसूस करती रहें। आपको बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रहा है, आपका मन प्रसन्न। अब आप जब उठना चाहें आप उठ जाएंगी और जैसे ही आप उठेंगी आपको बहुत हल्का, बहुत आनंद महसूस होगा और आज के बाद आप अपनी दवाइयों को कम करती जाएंगी। अब आप बिना दवाई भी बहुत ठीक रहेंगी, आज के बाद आप आधी डोज लेकर के भी बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा महसूस करेंगी, आज के बाद आप बहुत खुश रहेंगी, आपके अंदर ऊर्जा का, एनर्जी का स्तर बढ़ा रहेगा, अब आप बहुत खुश हैं। अब आप इसी अवस्था को कुछ समय तक महसूस करती रहें और जैसे ही उठेंगी आपको बहुत आनंद, बहुत शांति और बहुत हल्कापन महसूस होगा।